विष्णुदास रामानुजी गोश्त खा खा के मन वैसे तो भरता नहीं, लेकिन काफ़ी खा लिए तो दिल कर रहा था बहुत ही चटपटी सी कोई चीज़ बनाऊं और उससे नाश्ता या ब्रंच उसको बोलते हैं, खाना और नाश्ता। मैंने सोचा यार बैगन बनाते हैं। बैगन का नाम सुनते ही ना खाने को दिल नहीं करता बाद लोगों का, लेकिन आज जो मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह उसको खाने का भी दिल करेगा और आपको बनाने का भी, बार बार बनाने का भी दिल करेगा। मैंने एक प्याज छोटी सी क्वार्टर प्याज, उसको हमारे अरबी में रुबा कहते हैं क्वार्टर प्याज, मैंने काट दिया और ग्राइंडर के जो प्याला होता है उसके अंदर डाल दिए। और सबसे पहले मैं इसके अंदर मेथी दाना और मेथी दाना और राई, दो चीज़ों को थोड़ा सा कूट लूँ, क्रश कर लूँ। तकरीबन कांटे से मैं ज़्यादा से मच मैक्सिमम मैंने मेथी दाना डाल दिया और राई भी इतनी ही डाल दी है, और दोनों को क्रश कर दूँगा। क्रश करके एक प्याले में पानी जो है वो माइक्रोवेव करूँगा और उसके अंदर इसको डाल दूँगा ताकि इसकी जो गर्माइश से पानी की गर्माइश से इसकी कड़वाहट निकल जाए, उसको छान लेंगे। सोचिए ना, मेथी दाना, राई और इसी के अंदर हम कलौंजी भी थोड़ी सी डाल देते हैं ताकि वो भी धुल भी जाएगी पानी से, और उसके साथ ही कलौंजी भी, मैंने कलौंजी ले ली है वो भी उसी प्याली में डाल दी और उसको भी निथार देते हैं। अब निथारने का हम है इसको निथार देंगे ताकि कड़वाहट उसकी इन चीज़ों की कम हो जाए। आपके ऊपर से अगर सौंफ हो तो थोड़ी सी सौंफ भी डाल दीजिएगा। मैंने हमाम दस्ते में अपने इस हमाम दस्ते में छोटे वाले में इसके अंदर जनाब ने ज़ीरा और साबुत धनिया इसको कूट दिया, तो वो भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगा बाद में। पहले अभी मैंने गरम गरम है मेथी दाना और राई और कलौंजी इनको इसी जग के अंदर जिसमें प्याज डाली है ताकि इसको ग्राइंड कर सकते हैं, हल्की से ग्राइंड करेंगे, ज़्यादा क्रश नहीं करना है उसको। अब इसके अंदर ही आप तमाम अज्जा डाल देंगे। मैंने राई करूँ ज़ीरा और साबुत धनिया क्रश कर दिया, उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। मैं इसके प्याला आपके सामने लूँ, ये तमाम चीज़ें मैंने डाल दी है जना। और जब आप इसको बॉईल करते हैं उसके अंदर माइक्रोवेव में, तो ख्याल से कीजिएगा कि ये उबल नहीं जाए वरना काम बढ़ जाएगा आपका। शीशे में देखते रहिए, जब उबाल आ जाए तो उसको बंद कर दीजिएगा और किसी भी चीज़ से हिलाइए। मैंने इससे छुरी से हिलाया था तो इस पर चिपक गए थे, तो वो मैंने डाल दिए। अब इसके बाद इसके अंदर मैंने क्रश लाल मिर्चे एक चम्मच तकरीबन डाल दिया, कश्मीरी मिर्च लाल कलरिंग के लिए होती है और खुशबू के लिए होती है, खाने में भी मदद देती है, तीनों चीज़ें। मैं इसको खोल के ऊपर से ज़बरदस्त किस्म छोटी क्वार्टर चम्मच डाल दिया। अब इसमें पड़ेगा नमक, और अगर आपके पास नींबू हो तो नींबू निचोड़ दिए, नहीं तो इमली का टुकड़ा इसमें डाल दिएगा। अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इसी प्याले में मैं चाह रहा हूँ कि लहसुन भी डाल देता हूँ, क्योंकि हमने इसको सिर्फ मोटा मोटा ग्राइंड करना है, तो मैंने लहसुन को थोड़ा सा बेक कर लिया, गला लिया है यानी चूल्हे के ऊपर, और उसकी फाँके भी इसी के अंदर ऐड कर देते हैं, 5 लहसुन की फाँके, फिर उनको थोड़ा सा बेक कर लें तो चूल्हे के ऊपर जला दें, और उसके जलाने से उसमें खुशबू आ जाएगी,
इसलिए जलाते हैं कि उसमें जली हुई उसकी खुशबू आ जाएगी और उसके ऊपर क्रश करके अंदर डाल दिए और उसको भी इसके साथ हम चला देंगे। लहसुन और नमक का इजाफे के बाद मैथी में ऑयल और ऑयल जो भी आप खाने का इस्तेमाल करते हैं या इसका सरसों का या कलौंजी का जो इस्तेमाल करते हैं ऑयल समझिए बोल लीजिएगा खाने का। अब इसको थोड़ा सा मोटा मोटा ग्राइंड कर लेंगे। मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है और इसी की आंच पे मैं इस बैगन को गरम करूँगा, इसको पकाऊँगा। हाँ, मेरे मुँह से निकल गया था कलौंजी, कलौंजी का तेल नहीं भाई, तो जैतून का तेल, वो जैतून का तेल उसकी पैकिंग में कर दी। जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं आप, सरसों का भी कर सकते हैं और खोपरे कर चाहते हैं खोपरे करें जो भी, या फिर पकाने वाला ऑयल पीएगा तो ये जब तक जलेगा और इसकी जल्द और ये पकेगा आपके ऊपर कितनी देर में मैं टमाटर का पेस्ट बना कर। एक किलो में मेरा बैगन जो है पक रहा है, यानी इसको जला रहा हूँ उसके ऊपर चूल्हे पे पका रहा हूँ, बेक कर रहा हूँ। और दूसरी चूल्हे पे मैंने पॉट रख दिया है जिसके अंदर थोड़ा सा एक दो चम्मच जो है तेल डाल दिया और मैंने जो पेस्ट बनाया था, हमने जो पेस्ट बनाया था, मैंने नहीं बल्कि हमने आपके साथ जो पेस्ट बनाया था मिलके, वो जनाब आली पेस्ट को मैं इसके अंदर डालता हूँ, पेस्ट को इसके अंदर डालता हूँ। ये मैंने जनाब दो से तीन चम्मच काफ़ी है, वैसे तो मैं ज़्यादा चाहता हूँ मसाला ज़्यादा, तो मैंने चार चम्मच और ये एक चम्मच काफ़ी है तो मैंने डाल दिया, पाँच चम्मच के पाँच चम्मच डाल दिया और उसको मैं भूनूंगा। याद है इसको भूनूंगा, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पता है, जीरा है और मेथी दाना है, राई दाना है, साबित धनिया कूट के डाला हुआ है, हर चीज़ जो है इसके अंदर नमक डाल देती हूँ। मैं चेक कर रहा हूँ, ओह बहुत ज़बरदस्त है और इंशाल्लाह ये भुनेगा तो इंशाल्लाह और ज़बरदस्त हो जाएगा। टमाटर की हम चूरा करके ले आए, उसकी पूरी पूरी जो भी होती है टमाटर का पेस्ट बना कर लेके आए और जब ये भुन जाएगा तो उसके अंदर डालेंगे। इसके बाद इसमें मैं साथ में हरी मिर्ची डालूँगा, सीरा मान मान के हरी मिर्ची डालूँगा क्योंकि आज चटपटा खाने का मूड है, बच्चे वगैरह खाने का मूड है, इसलिए मैंने तीन बड़ी वाली और तीन छोटी वाली तीस मिर्च। मुंह को खोलना है, चटपटा खाने का मूड है और बैगन को नए स्टाइल से खाना है, ये बैगन को नए स्टाइल से बनेगा इंशाअल्लाह। आप देखते जाइए और दुआ में याद रखें, भूलते जाएंगे अंटी लेस इसका कलर चेंज नहीं हो जाए जब तक हम भूलेंगे, फिर मैं दिखाता हूँ। हमारा मसाला भूनते ही हमने जो टमाटर का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे और इसको पकने देंगे अंटिल लेस इसकी शोरबा जो है कम ना हो जाए जब तक हम इसको पकने देंगे। हैं इसकी जो कड़वाहट है उसको ख़त्म करने के लिए और खटास बढ़ाने के लिए पांच दाने इमली के बाद इसको भी इनके साथ ही पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा करी जो है शोरबा जो है वो तैयार है, अभी बस वो बैगन को ठंडे पानी में डालना है, उसको धोना है और उसको सील के इसके अंदर डालना है। हमारी करी ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो गई, बैगन को मैंने ठंडे पानी में डाला था, ठंडे पानी में इसलिए डालते हैं ताकि छिलके को आसानी से उतारा जा सके। और आपको मैं उसके लिए झलक दिखा देता हूँ, मैंने ये बैगन को आप एक चाहे दस चाहे दो चाहे जितने का बना सकते हैं, मैंने एक बना के आपको दिखा दिया। ये छिलके आराम से उतर जाते हैं, उसको थोड़ा सा ऊपर से वॉश कर लीजिए, अगर आपका दिल करे नहीं करे तो ऐसे ही डाल दे, उसमें खुशबू आएगी उस बैगन के जले की बहुत मज़ा देता हूँ। तो मैंने कर दिया, अब मैं इसके अंदर उसको डालता हूँ।
गरम गरम बैंगन है, हाथ पे लग रहा है, डाल दिया इसे और इसको हिला दिए, बस मुझे तो यार अलहमदिल्ला ज़बरदस्ती होती है हमारा बहनों की कही। ऐसे तो आपने ना पकाई होगी ना इंशाल्लाह कभी खाई होगी, तो अब आप बनाइए और दोस्तों को भी खिलाइए, घर वालों को खिलाइए, उसको भी खाइए और मुझे दुआओं में याद रखिए। ज़बरदस्त किस्म की कड़ी तैयार हो गई है, इसको जितना चाहें आप पानी को ड्राई कर सकते हैं, यानी थोड़ा सा और गाढ़ा कर सकते हैं, जब तेल छूट जाए तो हमारे तेल छूटते शुरू हो गया, हम मैं कड़ी तैयार हो गई। मैं आपको अल्लाह के हवाले करता हूँ कि अमन अल्लाह, लाइक और सब्सक्राइब बनता है तो कर लीजिए।